खोलता हूँ और महसूस करता हूँ। जैसे हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, हवाओं को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे हम शांति को महसूस कर सकते हैं, एकाग्रता को महसूस कर सकते हैं। और यह महसूस करने का अभ्यास यदि निरंतर जारी रहे जीवन में, तो हम इसके लाभ को भी अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारे व्यवहार से दूसरा भी प्रभावित होकर के यह कहता है कि अमुक व्यक्ति का आदर्श जीवन एकदम आदर्श से युक्त हो गया, हमें वैसे ही बन करके, वैसे ही प्रकाश पुंज बन करके, वैसे ही अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने का संकल्प लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं। और महसूस करिए कि मैं 3-4 मिनट में केवल सांसों पर ध्यान टिका करके वाह आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करके और परमात्मा के साथ युक्त होने का जो प्रयत्न किया, प्रयास किया, वह वास्तव में यदि ऐसा जीवन भर चले तो मेरा जीवन सफल हो सकता है। अब आंखों को खोल करके और महसूस कर, आंखों को खोलते समय आपको विराट दिव्यता का अनुभव होता है, उस परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। और धीरे धीरे आंखों को खोल लिया, एकाएक कभी भी ध्यान के बाद झटके से आंख नहीं खोला जाता है, नहीं तो ना जो तरंग बना हुआ है ना वो ब्रेक कर जाता है एकाएक। तो धीरे धीरे पलकों को हटाते हैं पंखुड़ियों की तरह, और जब आंख जो खुल जाए तब जा करके हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। आप लोगों को इतने मिनट में लगा कुछ शांत जैसा, मन को लग रहा है कोई शांति जैसा भाव लग रहा है ना? ऐसे रोज करना है 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इसका वैज्ञानिक लाभ क्या है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हम ले पाएंगे, और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारा शरीर हमेशा क्या होता है, जागृत होता है। जो हमारे सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, जो मृत प्राय हो रहे हैं, वो क्या होगा, रीजेनरेट हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, उसका पुनर्जागरण हो जाता है। तो मेरा सेल्स का पुनर्जागरण हो जाए तो सेल्स से बना हुआ यह शरीर कभी भी मृत प्राय हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए इन प्राणायामों को ध्यान पूर्वक ध्यान युक्त होकर के करना है। अब आइए थोड़ा सा ना पैरों को फैला लेते हैं, इसे धीरे धीरे पैरों को खोल लीजिए ताकि किसी का पैर जब भर गया हो तो ये किसी भी लेंगे वीडियो बना लेंगे पीछे भी ले ले। वीडियो जब रोकना हो तो उसी को ठीक रहेगा तो रुक जाए। हाँ फोटो खींच ले भी, फोटो ले अभी ने जब कोई अभ्यास कराएगा तो वीडियो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट से नहीं ज्यादा लेना। ठीक है ठीक है। अब आते हैं अगला अभ्यास कपालभाति का। बैठ जाइए सीधा और कपालभाति भी 5 मिनट करवाएं, कम से कम 15 मिनट का अभ्यास, उसमें